जो बोटिंग पे बैठा हुआ हूँ इसका टाइमिंग सिर्फ 10 मिनट देता है दोस्तों। और ये जो कितना हुआ 1920 लीजिए ना। तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम हैं राजगीर में और ये जो रहा राजगीर के बगल में है मखदूम सबाबा और हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल नहाने के लिए जो कि राजगीर के जस्ट 500 मीटर दूर है। तो चलते हैं और हम लोग सब ग्रुप में हैं, मेरे बड़े भाईजान और मंझले भाईजान और छोटा भाई, मतलब सब भाई जा रहे हैं मिल के और ज़्यादा दूर नहीं है, बस अब बस करीब है। तो चलते हैं स्विमिंग पूल की ओर, कैमरा मैन सोनू के साथ और ये रहा हमारा ग्रुप। और तो चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ और ये देखिए यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार कुंड राजगीर नालंदा। अंदर आ चुके हैं अभी और आदमी लोग अंदर आ रही है और हम लोग का ग्रुप यही है, सब जो है भाई लोग जो हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। बहुत ही काफ़ी अच्छा लोकेशन है और मेला भी लगने वाला है बहुत जल्द ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि राजगीर के बगल में जो है मखदूम कुंड के बगल में जो है जो पार्किंग वगैरह लगता है ना वहाँ पे खूब सारा मतलब लग रहा है जैसे मीना बाज़ार लगता है वैसे ही लग रहा था। तो अंदर की ओर आ गए हम लोग और यहाँ जो है स्विमिंग पूल का जो रहता है ना बंडेज बांधने वाला बना लिया, ये रहा स्विमिंग पूल। और इससे आगे भी है अमेजिंग वाटर पार्क जो कि आगे है, तो वहाँ हम लोग नहीं गए हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और राजगीर में और जगह भी हम लोग को घूमना है, यही कारण यहाँ आ गए हैं। अमेजिंग वाटर पार्क भी जाएंगे इंशाल्लाह फिर कभी। सब लोग हैं हमारा ग्रुप और हमारा दो ठोधर है जो कि हमें अभी व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग स्विमिंग पूल में आ चुके हैं, ये देखिए इसी में नहाएंगे और सब लोग हैं ग्रुप में भाई लोग हैं। ये जो फीलिंग है ना मुझे याद आ गया, जानते हो ये जो ऐसा है वो है जामा मस्जिद तरह, मतलब ऐसा ही कुछ है मीनार। और ये देखिए और भाई लोग जो है नौसे भाई है, बड़े भाजन है, मंझले भाजन है और वो रहे बड़े भैया और ये नौसे भाई और इधर मेरा छोटा भाई, लोग अंदर चले गए हैं नहाने के लिए, अभी हम बाकी हैं। अभी सबका पहले मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ उसके बाद जाएंगे। फोटो खींचेगा ये देखिए दादा अंदर मत जाते, ये देखिए एक्शन। ये देखिए ये देखिए हाथ में सब बैंड लोग पहने हुए हैं बैंड। और इधर मंझला भजन तो ये देखिए छोटा भाई जो कि स्विमिंग पूल में कुदकने वाला है और ये सोनू जो कि फ़ोटो खींच रहा है। अब इसके बाद जाते हैं विश्व शांति स्तूप तो नी रोपवे में बैठने के लिए, ये देखिए भाई कुदक गया तो चलते हैं विश्व शांति स्तूप। ये देखिए रोपवे में आ गए हैं तो अभी फाइनली सब चल रहे हैं ऊपर, ये देखिए अब टिकट कटा लिए हैं। एक टिकट का दाम है फ़िलहाल 80 रुपया। तो हम रोपवे में बैठ गए, ये रानौसे भाई, ये छोटा भाई, ये देखिए कुछ नज़ारा रोपवे का। और ये रहा जो पुराना रोपवे है और हम जो है रोपवे बैठे हुए ये न्यू रोपवे है, ये देखिए काफ़ी दम अच्छा दम है, बहुत ही काफ़ी नज़ारा दम, मौसम भी अच्छा दम है। चलते हैं ऊपर की ओर। तो हम लोग रोपवे पे हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए नीचे काफ़ी ऊँचा आ गया, ये देखिए जा रहा है। मैं पहले ऐसी थी और ये रहा न्यू रुपया। न्यू रुपया का खासियत ये है क्योंकि पूरा फैमिली आप लोग बैठ सकते हो, कम से कम 8 फैमिली 10 फैमिली लोग बैठ सकते हो। तो चलते ऊपर की ओर और ये देखिए बहुत जल्द अब पहुंचने वाले हैं, लगभग पहुंच ही गए हैं। ये नौसे भाई है छोटा भाई और ये देखिए न्यू रुपये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए घूम रहा है मशीन जो कि तार वगैरह है ना, ये देखिए लोग नंबर में लगे हुए हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं।
तो फाइनली हम उतर रहे हैं और उतर चुके हैं। ये देखिए रोप वे, तो फाइनली हम उतर चुके हैं और टिकट रहा मेरा हाथ में। मेरा पारी तो आ गया है रोपवे में, तो अब रोपवे में बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे, देखिए बहुत ही काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे बहुत ही काफ़ी लंबा भीड़ है। जा रहे हैं रोपवे में, तो अब पहुंच गए हम लोग, अब उतरने वाले हैं कृपया करके। और जो है मशीन वगैरह रोपवे का, तो कि यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अब बस गेट खुलने वाला है, गेट खुल गया है, अब हम आ गए हैं रोपवे से बाहर। तो अब आ गए हैं हम पंधो पोखर में और हम टिकट कटा रहे हैं। और ये देखिए कुछ नज़ारा, तो ये लीजिए कितना हुआ, 1920 लीजिए ना। ये देखिए पंधो पोखर का है कुछ नज़ारा, डबल पंधो पोखर साइकिल, ये कुछ नज़ारा रहा पंधो पोखर का। तो अभी हम बैठे हुए हैं दोस्तों और बोटिंग करने वाले हैं जस्ट, और इधर बज रहा है साउंड। बहुत ही ज़्यादा थकान हो गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा थकान, एकदम थक के बैठा हुआ हूँ मैं। तो अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा ड्रेस व्रेस पहनेंगे, मतलब आई मीन जो उन लोग का बोटिंग रहता है, तो इस पर मैं बोटिंग करने वाला हूँ अभी। तो बोटिंग पर बैठ गए हैं और स्पीटी मार रहे हैं हम लोग, पैंडल मार रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, एकदम मज़ा आ रहा है। पैंडल मार रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरा से कैसे पैंडल मार रहा हूँ मैं, काफ़ी दर्द हो जा रहा है बाहर। ये देखिए मार रहा हूँ ना, तो ये देखिए पैंडल मार रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। ये रहा नहर, काफ़ी मज़ा आ रहा दोस्तों। हम अभी बोले तो 4 बजे का रहता ना माहौल, तो धूप अभी है, 4 बज के धूप है, पैंडल नहीं मारने पड़ रहा है, जोर जोर से मारो। बोले तो माहौल जो है शाम के बाद ही अच्छा लगता था, मज़ा आया था एकदम। ये पानी देखिए मज़ा आ गया, फंस गया था गाड़ी, मतलब आई मीन आगे में, तो अब बैक कर रहा हूँ पीछे। अब मुड़ाओ इधर भाई, देख रहे किधर मुड़ा, थोड़ी देर में मुड़ता है ना ऐसा पकड़ के, दोनों भाई साथ में पैंडल मार रहा हूँ दोस्तों दम, फुल एंजॉय करते हुए। अब सीधा तरक कर हूँ हैंडल को, जो वो बोटिंग पर बैठा हुआ हूँ इसका टाइमिंग सिर्फ 10 मिनट देता है दोस्तों। और ये जो पहना हुआ हूँ तो कुछ ऐसा इसलिए पहना हुआ हूँ क्योंकि सेफ्टी रहे, और अगर डूब भी जाएगा इंसान तो फिर डूब नहीं पाए, इसलिए ये देता है। तो आप लोग भी इंजॉय करें। और ये जो आपको झील दिख रहा है, ये झील है पंधो पोखर का, जो कि इसका प्राइस अलग है, जो कि आपको सब मिल जाएगा आपको एंट्री में ही। बच्चा ला झूला पा चुके हैं और मैं भी ससरने वाला हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो तेरी झलक सरफी सिवल्ली। फाइनली पंधो पोखर हम घूम लिए और काफ़ी अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया घूमकर। और अभी बज रहा है टाइम 5:56, क्योंकि अब 6 बजने वाला है, तो शाम का वक्त हो गया है। और यहाँ पे जो लोकेशन जो है दिल टाइप का, बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं, इससे दूर से आपको दिख रहा होगा लाइट वगैरह यहाँ पे। तो फाइनली सब जगह घूम लिए हैं, घूमने के बाद काफ़ी थकान हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।